राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल आज सायहापुर पहुंची। यहां उन्होंने महिलाओं की जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए परिवारों के दो बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने कलेक्ट्रेट में बने सभागार में अलग अलग मामलों से पीड़ित महिलाओं की जनसुनवाई की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उनका कहना है कि महिलाएं राज्य महिला आयोग के नंबरों पर सीधे शिकायत कर सकती हैं, जिन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत उन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी जो अनाथ हैं। इससे पहले सरकार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक बाल सेवा योजना सामान्य के तहत परिवार के दो बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में पहुंचे बच्चों को भी मदद दी जाएगी। ये अभी जो एक नई योजना आई है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु, अभिभावक की मृत्यु कोविड के अलावा किसी अन्य कारण से भी हुई है, तो ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की शुरुआत की गई है। हर परिवार के कम से कम दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और एजुकेशन चल रही है उनकी, बीच में उनकी पढ़ाई ना रुके, उसके लिए भी उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आज जनसुनवाई के लिए तो किस तरीके के निर्देश दिए गए? जन सुनवाई में जो केस आए हैं ज़्यादातर तो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आते हैं, जिसमें अगर FIR दर्ज नहीं हुई है तो FIR दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें निर्देश दिया जाता है कि इनके जो FIR अगर किसी कारण से दर्ज नहीं हुई है, हम लोगों की कोशिश ये होती है महिला आयोग की कि जो भी पीड़ित महिलाएँ आती हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। कहीं पर किसी वजह से अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए जो अधिकारी होते हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको लेकर काफ़ी सीरियस हैं, उनकी समस्याओं को लेकर। उनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी घटना होती है तो जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जनसुनवाई में जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास पीड़ित महिलाओं की आती है, हम लोग मौके पर ही कुछ मामलों का निस्तारण कर देते हैं और कुछ मामलों का निस्तारण कुछ समय बाद उसकी जांच करके करवा दिया जाता है अधिकारियों द्वारा।